नमस्ते दोस्तों, बंजारा पुरी में आपका स्वागत है। मैं हूँ जग्गू। आज हम बनाएंगे साबूदाना खिचड़ी, तो चलिए शुरू करते हैं। साबूदाना की खिचड़ी बनाने के लिए गैस पर एक कढ़ाई रखा मैंने और गैस ऑन कर लेंगे। कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने दें। कढ़ाई अच्छे से गर्म होती है अब हम 2 चम्मच तेल डालेंगे और तेल को भी अच्छे से गर्म होने दें। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखें। यहाँ पे तेल जो है अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम ऐड करेंगे 4 से 5 हरी मिर्च कटे हुए। हरी मिर्च को 1-2 मिनट पकने देंगे अच्छे से। जितना अच्छे से हरी मिर्च पकाएंगे उतना अच्छा साबूदाना की खिचड़ी का फ्लेवर जो है बहुत ही अच्छा आएगा। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखें यहाँ पे, ताकि मिर्ची जो है जले ना। और अब हम ऐड करेंगे साबूदाना और साबूदाना को 3 से 4 घंटे के लिए भिगो कर ले लेंगे। और साबूदाना को 2-3 बार पानी से अच्छे से धो कर ले लिया है मैंने यहाँ पे। खिले खिले साबूदाना की खिचड़ी बनाने के लिए 100 ग्राम साबूदाना पहले से ही भिगो कर ले लिया है मैंने यहाँ पे। इस साबूदाना को बड़ा वाला साबूदाना के नाम से जाना जाता है। और ये मूंगफली का पाउडर ऐड कर देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे यहाँ पे। मूंगफली का पाउडर बनाने के लिए मूंगफली को 2-3 मिनट तक तवे पर भून ले, फिर मिक्सी में दरदरा होने तक पीस ले। और अब हम ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब हम ऐड करेंगे उबले हुए आलू। आलू को मैंने पहले से ही उबाल कर ले लिया है। अब हम थोड़ा सा मिक्स करके ले लेंगे। साबूदाना, हरी मिर्च, मूंगफली, नमक सबको अच्छे से चारों तरफ से मिक्स हो जाए तब तक हम मिक्स करके ले लेंगे। आलू को अब हम अच्छे से हल्के हाथों से मिला लेंगे चारों तरफ से। ये देखिए मैंने मिला लिया। और साबूदाना खिचड़ी को एकदम लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट ढक कर पका लेंगे। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, साबूदाना जो है अच्छे से पक चुका है। ये देखिए साबूदाना का जो कलर है पहले से ही लाइट हो चुका है। ये देखिए साबूदाना को ओवर कुक करेंगे तो साबूदाना जो है स्टिकी हो जाएगा, इसलिए ओवर कुक ना करें। आधा नींबू का रस ऐड करेंगे। यहाँ पे साबूदाना जो है एकदम परफेक्ट बना है। ये देखिए एकदम खिले खिले साबूदाना बना है, आप देख सकते हैं। साबूदाना जो है बनकर रेडी है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और साबूदाना को सर्व कर लेंगे। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।